हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्म, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो जैसे मैंने आपको दमन के ब्लॉग में बोला था, हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। हम लोग एक लंबी रोड ट्रिप के लिए निकल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 2000 किलोमीटर्स की जर्नी रहेगी घर से घर तक की। अभी प्लानिंग में ऐसा है, हम लोग यहाँ से जाएंगे साड़ंगपुर, उसके बाद जाएंगे हम लोग सोमनाथ, फिर वीरपुर और सूरत होते हुए फिर से घर पे आएंगे। अभी ये जो ट्रिप है, मैंने कुछ भी बुकिंग वगैरह नहीं किया है, प्लानिंग किया हुआ है मगर बुकिंग नहीं किया, क्योंकि हम लोग बाय रोड जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता हम लोग कितना दिन रुकना चाहेंगे कोई किसी जगह पे ऊपर। तो बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बुक करते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे। अभी आप बोलेंगे साड़ंगपुर में पहले जाके आया हूँ। जी हाँ, साड़ंगपुर में जाके आया हूँ। वो ट्रिप मैंने आपको दिखाई थी बाई ट्रेन, आज अभी हम लोग जा रहे हैं बाई रोड। अभी मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि उनको ट्रेन में लेके जा सकूं, क्योंकि ट्रेन में चढ़ना उतरना वॉशरूम थोड़ा दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। तो हम लोग यहाँ से बाय रोड जा रहे, उनका भी बहुत टाइम से दर्शन करना पेंडिंग था तो फाइनली आज वो दिन आ गया है। अभी फटाफट नीचे जाते, सामान लोड करते और जर्नी अपनी शुरू करते। आप भी मेरे साथ एक बार बोल दीजिए ए हेलो। ये देखिए, सामान अपना हो चुका लोड, गाड़ी अपनी पूरी तरह से तैयार, ये अपना नाम एक्सप्लोरिंग गुजराती। और यहाँ पे हमने डाले ये पानी के दो क्रेट और ये रहे मम्मी पापा। तो चलो जर्नी शुरू करते, अभी अंदर बैठते। तो यहाँ से अपना डिस्टेंस बता रहा है अप्रॉक्सीमेट 592 किलोमीटर, 10.5 घंटे बता रहा है। अब मेरे हिसाब से 12 घंटे ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि ब्रेक लेंगे ऑब्वियस ही बात है। ट्रिप मीटर को करते हम लोग ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। बोलो श्री अम्बे मात की जय, बोलो श्री कष्ट भजन देव की जय। अभी यहाँ से हम लोग अगर डायरेक्ट साड़ंगपुर जाएंगे तो एज़ पर गूगल मैप हम लोग पहुँचने चाहिए शाम को 6:45। मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकेंगे, कुछ खाने के लिए रुकेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग ब्रेक लेंगे। अभी जा रहे बाय रोड, तो अभी बाय रोड हम लोग को टोल कितना होता है वो भी मैं आपको सब जगह पे दिखाऊंगा, कितने टोल जाते हैं, कितना अमाउंट फाइनल होगा वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा कि इतना टोल होता है अगर मुंबई से साड़ंगपुर आप जाएंगे। फिलहाल वी आर अप्रोचिंग अवर फर्स्ट टोल, जो है मुंबई का एग्जिट दहिसर टोल नाका। एज इफ नाउ बड़ौदा तक तो हमको स्ट्रेट ही जाना है इस रोड के ऊपर। भी लग रहा था मॉर्निंग में निकलेंगे तो क्लाइमेट ठंडा रहेगा, मगर ठंडा यार है ही नहीं यहाँ पे ज़रा भी। चलिए जर्नी सो फार सो गुड, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है, कितनी गुड होती है वो धीरे धीरे आगे अपने को पता चल जाएगा। चल रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखी, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, मगर देखने में ऐसा लग रहा है नैनो का भी छोटा वर्जन है। देखो अभी आगे जाके देखते हैं दिखने में कैसी है। देखो कार के जैसी ही लग रही है, एकदम प्रॉपर कार रहेगी ना, छोटी सी कार है वैसी ही है। ये देखो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों 60 किलोमीटर की जर्नी अपनी हो गई कंप्लीट। हम लोग अप्रॉक्सीमेट 7:30 बजे निकले थे घर से, अभी टाइम हो रहा है 8:40। गाड़ी भी क्या बहुत ज़ोरदार परफॉर्म कर रही है, 19:30 का एवरेज दे रही है। तो अभी भूख लगी है, नाश्ता करना है, नाश्ता करने के लिए हम लोग रुक रहे हैं यहाँ पे श्री दत्त स्नैक्स। अंदर जाते हैं, फटाफट नाश्ता करते और जर्नी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अपना मॉर्निंग का नाश्ता, मेंदू वड़ा, मिसल पाव और कांदा पोहे, देखने में बहुत यम लग रहा है, खाते हैं फटाफट और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो नाश्ता अपना हो चुका कंप्लीट, जोरदार नाश्ता था। अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मनोर के आजू बाजू में हो, मैं मस्ट रेकमेंड करता हूँ श्री दत्त स्नैक्स, बहुत अच्छा फूड था उसका। मेंदू वड़ा, मिसल और पोहा तीनों बहुत ज़ोरदार था। तो अभी खा लिया है, फटाफट निकल गए, अभी बज रहे 9:15, जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी भी अपने को टाइम बता रहा है 6:21 पहुँचने के लिए। ऑब्वियसली अभी भी वो लेट होगा, मगर जितना हो सकेंगे फास्ट कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
अपना थर्ड टोल पे पहुंचे, चारोटी टोल नाका। फर्स्ट हम लोग को लगा था दहिसर का टोल जिसका चार्जेस था 40 रुपीज़। उसके बाद हम लोग को लगा विरार का टोल जिसका चार्जेस मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया। अभी जस्ट मैंने चेक किया बैलेंस में जाके तो 49 रुपीज़ कट हुआ था और अभी चारोटी टोल है 65 रुपीज़। तो अब तक अपना 154 रुपीज़ का टोल लग चुका है। दोस्तों अभी पेट्रोल ब्रेक के लिए रुके, पेट्रोल हो चुका है पूरा ख़त्म। अभी मैंने मुंबई से सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही पेट्रोल भराया था। ऑब्वियस रीज़न हम लोग गुजरात में आ रहे हैं, गुजरात में 10 रुपीज़ पर लीटर का फ़र्क है। तो अभी यहाँ से टाकी करती है एकदम लबालब ऊपर तक फुल और फिर आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। पेट्रोल तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत। 280 किलोमीटर्स हो गया है घर से। अभी टाइम हो रहा है 12:40। तो आ गया अपना लंच, ये है कुछ इनका स्पेशल सब्जी है वेज दिलरुबा, साथ में सैलेड ले लिया है, रोटी है, ये फटाफट खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, फिर कुछ राइस ऑर्डर करते हैं, फिर भागते हैं यहाँ से आगे। दोस्तों लंच अपना हो चुका है, जो भी आया घपा घप खा लिया, बहुत भूख लगी थी। एक्चुअली सुबह में नाश्ता दिखाया, उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, सीधा सूरत आए थे। तभी मुझे खाना खाने के बाद पता चला जो जलाराम काठियावाड़ी मैंने आपको दमन में दिखाया था उसी की ब्रांच है। तो अगर आप ये रोड पर रहेंगे सूरत क्रॉस करने के बाद जो कामरेज का क्रॉसिंग जाता है उसके बाद जो टोल आएगा उसके जस्ट पहले ही है जलाराम काठियावाड़ी। बहुत औसम फूड है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, मस्ट रिकमेंड प्लेस है अगर आप यहाँ से जा रहेंगे। ये देखिए ये ब्रांड को फॉलो कीजिएगा, ठक्कर्स जलाराम काठियावाड़ी। तो दोस्तों और एक जन से मिलाना बाकी है, ये देखिए मेरा भाई जिसको आप लोग ने देखा था सूरत व्लॉग में, अभी हम लोग को सी ऑफ करने आया है, जस्ट हम लोग सूरत से पास हो रहे थे तो मिलने आया, साथ में अभी लंच किया। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ पर निकल चुका है, पहुँचने के लिए अभी भी बहुत टाइम है, 300 किलोमीटर और जाना है। तो फटाफट अभी जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बाकी हाय तो बोल दो इसको, हाय तो बोल दे, हाय। हाँ व्यूअर्स को हाय बोलना जरूरी है ना जब मिलेंगे, जब ही चले निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय। तो जस्ट सूरत से निकले हैं, अभी जितना किलोमीटर हम लोग आए थे उससे ज़्यादा अभी भी बता रहा है, 324 किलोमीटर्स बता रहा है, 5 घंटा 31 मिनट। तो अगर हम लोग नॉन स्टॉप गए तो पहुँचेंगे 7:20 को, देखते हैं कितनी देर में पहुँच सकते हैं अभी। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला खाना बहुत अच्छा था, पेट भर के खाया, अभी प्रॉब्लम ये है कुछ ओवर खा लिया है, तो अभी टेंशन बस इस चीज़ का है कि बहुत ज़्यादा खाया तो नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज अपने साथ में है ना कोई को ड्राइवर नहीं है, मतलब मेरी वाइफ नहीं आई है, उसका रीज़न है बच्ची की स्कूल है तो स्कूल छोड़ के ऑब्वियसली वो लग नहीं आ सकते अभी। तो आज बॉस वन मैन आर्मी है, जो भी है साड़ंगपुर तक पूरा, मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लेंट किया था हम मुझे ड्राइविंग करने नहीं मिलता है, तो बॉस इस बार पूरा ड्राइविंग अपने को ही करना है स्टार्ट टू एंड, क्योंकि अभी पापा नहीं कर सकते और मम्मी अभी ड्राइविंग नहीं करते, तो वन मैन शो है जो भी है। चले जर्नी सो फार सो गुड, नींद आएगी तो आप लोग से बात कर लूँगा, है ना। चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों मेरी भी ये पहली ट्रिप है गुजरात साइड में बाय रोड बियॉन्ड सूरत, क्योंकि मैं जब भी गुजरात साइड आता हूँ हम लोग के रिलेटिव्स है या जो भी है मैक्सिमम सूरत में ही रहते हैं, और उसके आगे कभी जाना रहता है तो बाई ट्रेन चले जाते हैं। तो पहली रोड ट्रिप है मेरी भी गुजरात के अंदर, अभी जस्ट हम लोग भरूच अप्रोच कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ने ब्रिज देखा,
वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नया नहीं दिखा इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ने वर्ली सीलिंग देखा है, वो इसे बहुत बड़ा है। सेम वैसे ही पैटर्न में केबल्स के साथ में ब्रिज बनाया हुआ है, काफ़ी छोटा है, तो इधर के लिए कोई नई चीज़ है। मैंने ऐसा ही ब्रिज सूरत में भी देखा है, सूरत में भी केबल ब्रिज बना हुआ है, तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। अगर आप गुजरात में रहते हो, यहाँ पे कहीं पे रहते हो, सीलिंग अगर आप नहीं गए तो आपको ये ब्रिज कुछ अलग लगेगा, मगर मैं मुंबई से हूँ, मैंने सीलिंग देखा हुआ है, तो उसके कंपैरेटिवली मुझे एक ब्रिज काफ़ी छोटा लगा, मगर अच्छा है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 3:44 और हम लोग जस्ट पहुंच गए बड़ौदा। हम लोग ने घर से 389 किलोमीटर्स कवर किया है, अप्रॉक्सीमेट 6.5 घंटे का टाइम लगा है, 6 hours 40 minutes बता रहा है, प्लस एक घंटा अपना जो हम लोग ने लंच ब्रेक लिया था वो। और गाड़ी की एवरेज बॉस बहुत सही आ रही है, इतना चलाया अभी भी 19.3 का एवरेज बता रही है। बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ गया था एक जगह पे, उसकी वजह से थोड़ी एवरेज गिर गई है या गाड़ी मैंने रुकाई थी, बाकी ऑल इन ऑल गुड परफॉर्मेंस। तो दोस्तों हम लोग ने बड़ौदा क्रॉस किया, उसके बाद टोल भरा, अभी वो टोल कौन सा था मुझे नहीं पता। उसके बाद एक लेफ्ट दिखाया था जहाँ पे हम लोग को टर्न करना था, और अभी जस्ट चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। पीछे आप ये मेरे देख रहे हो टपरी, वहाँ पे चाय पी रहे। अभी यहाँ से और 168 किलोमीटर्स बता रहा है साड़ंगपुर, और 3 घंटे का टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी और कोई ब्रेक लेंगे नहीं, शायद वॉशरूम के लिए एक आध बार रुकेंगे, बाकी जर्नी सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है। सुबह 7:30 से निकले थे, अभी 4:30 बज रहे हैं, इतने घंटे हो गए, मगर एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ थकावट ज़रा भी नहीं लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है ड्राइव करने का भी, रोड बहुत अच्छे हैं और ट्रैफिक भी मैनेजेबल है, इतना कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, हैवी ट्रैफिक नहीं है, तो ड्राइव करने में कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है। अभी फटाफट चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, अभी मिलेंगे डायरेक्ट आपको साड़ंगपुर मंदिर पे। बड़ौदा के बाद जो हम लोग ने टोल भर के लेफ्ट लिया था, अभी मुझे एक्चुअली पहले रोड का नाम नहीं पता था, तो मैंने भी जस्ट अभी मैप में देखा, ये कुछ तारापुर वासद हाईवे है। अभी देखिए मैं इस रोड पे पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं गूगल आंटी के भरोसे पे चल रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है रोड कहाँ जा रहा है, जैसे गूगल चला रही है वैसे मैं चल रहा हूँ फिलहाल। तो हाईवे बहुत अच्छा है, एक भी खड्डा नहीं, कोई पैचेस नहीं, एकदम स्मूथ है। इससे ज़्यादा खड्डे मुझे NH 48 पे मिल रहे थे, मगर ये रोड के ऊपर एकदम मक्खन के जैसा रोड है, तो चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी भी अपने को टाइम बता रहा है 2 घंटा 40 मिनट, तो देखते हैं कितना जल्दी पहुंच पाते हैं। अभी कुछ जंक्शन जैसा आया है, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ तारापुर जाएंगे, राइट जाएंगे तो आनंद बता रहा है, अपने को जाना है स्ट्रेट बड़ौदा करके कोई जगह है, वो रोड पर अपने को आगे बढ़ना है। अभी भी यहाँ से बता रहा है डिस्टेंस 121 किलोमीटर्स। इतना सुंदर नज़ारा है, कितने किलोमीटर तक सिर्फ खेत ही खेत दिख रहे हैं रोड के दोनों तरफ। ये देखिए ये बाजू था, ये रही अपनी कार, और सामने की तरफ भी जहाँ तक नज़र जा रही सिर्फ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। अभी किस चीज़ के खेत है मुझे पता नहीं, शायद गन्ने के हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए साड़ंगपुर, एग्जैक्ट 12 hours लगा मुझे मुंबई से मेरे घर से यहाँ तक आने के लिए। 7:30 सुबह में निकले थे हम लोग, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है, पहुँचे हम लोग 7:30 PM को। तो अभी जाते हैं, पहले रूम लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, अभी मैं आज नहीं दिखा पाऊँगा आपको, ऑलरेडी नाइट हो गई है। मॉर्निंग में नीचे आएंगे, आपको जो जो चेंजेस लास्ट टाइम से हुए वो भी दिखाऊँगा, दादा के दर्शन भी कराऊंगा, अभी यहाँ पे आए तो दादा के दर्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, वो भी कराऊंगा। फिलहाल जाते हैं रूम लेते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर नीचे आके खाना खाते हैं और आज का दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं। यह है अपना आज का रूम B12। आई आपको रूम टूर देते थे, वैसे हम लोग जो लास्ट टाइम 4 bed का रूम लिया था वैसा ही है, थोड़ा सा खाली फ़र्क है, इस बार ये 2 bed साथ में कंबाइन करके दिया हुआ है, बाकी एक सिंगल बेड यहाँ पे है, सिंगल बेड यहाँ पे है। ये अपना रहा AC, नॉर्मल एमिनिटी सब आ गई जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। और ये कबर्ड के अंदर ये देखो दादा की तस्वीर है ना, दर्शन इधर ही हो जाते हैं अपने रूम में। और ये है इनका वॉशरूम, लास्ट टाइम के जैसा ही उनका ड्राई एरिया काफ़ी बड़ा है। इस बार वॉशरूम और बाथरूम दोनों कंबाइन है, WC एरिया है, ये बाथिंग एरिया है, तो जैसा लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वैसा ही रूम है।
और ये रहे मम्मी पापा। कैसी रही आपकी जर्नी? बहुत फर्स्ट क्लास। और आपकी? बहुत मज़ा आया। चलिए, मज़ा आया दोनों को। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो हम लोग ने रूम लिया था, सेम ही रूम लिया है इस बार भी। फ़र्क इतना है, वो फोर्थ फ्लोर पे था, ये ग्राउंड फ्लोर पे है। रेंट भी उतना ही है, 1200 रुपया। बाकी मैंने डिटेल्स आपको लास्ट टाइम सब रेंट की दी थी, अगर आपने नहीं चेक किया रहेगा तो आई बटन के अंदर आपको मेरे ब्लॉग, पिछले ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वो ब्लॉग आराम से देख सकते हैं। आ गया अपना खाना, हम लोग भोजनालय में खाना खाने हैं यहाँ पे। तो आज इनके पास है ये छिलके वाले आलू की सब्ज़ी, ये गुजराती कढ़ी, चपाती है और है खिचड़ी। एकदम सात्विक भोजन रहता है, मगर एकदम बॉस, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, एकदम तृप्त करने वाला भोजन रहता है। अभी भूख बहुत जोर की लगी है, फटाफट खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए हनुमान दादा का मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। बाहर पूरी LED लाइट से सजाया हुआ है, हर एक कॉर्नर जो भी एनग्रेव किया हुआ है वो पूरा LED लाइट से उन्होंने रोशन कर दिया है। तो दोस्तों, हम लोग ने घर से जो जर्नी किया था वो टोटल हुआ है 593 किलोमीटर्स। हम लोग निकले थे सुबह में 7:30 को, यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग 7:30 को पहुँचे शाम को, मतलब 12 आवर्स की जर्नी होगी। उसमें से आप अप्रॉक्सीमेट निकाल दो, 1 घंटा मुझे लंच में लगा, बाकी हाफ एन आवर आप वॉशरूम ब्रेक और चाय के लिए गिन सकते। तो मैं जब ओवरऑल मिल मिला के मुझे 12 घंटे लग गए साड़ंगपुर पहुंचने के लिए। और उसके अंदर हम लोग का जो टोल लगा था टोटल वो लगा है 649 रुपीज़ मुंबई से लेके साड़ंगपुर तक का। अभी हम लोग का खाना हो चुका, दर्शन भी हम लोग के हो चुके। खाना हम लोग ने भोजनालय में ही खाया था, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, एकदम सात्विक और तृप्त करने वाला खाना था। तो अभी थक गए, अभी जाएंगे थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल सुबह मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा साड़ंगपुर के अंदर क्या क्या नई चीज़ें बन गई है। अभी मैं ज़्यादा लंबा नहीं, मैं मार्च में ही आया था तो ज़्यादा इतना कुछ टाइम नहीं हुआ, 6 महीने का ही टाइम हुआ, मगर मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है कि 6 महीने में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई है। तो बने रहेगा मेरे साथ, कल एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा रहा है एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारा जब भी व्लॉग आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं कल आपको एक जल्दी नए व्लॉग के अंदर, तब तक बाय बाय और कष्टभंजन देव की जय।